हेलो, आदाब सोहन रहेगा। अब मैं आपकी खिदमत में दो गज़लें जो कि नई हैं, बिल्कुल शायर भी नहीं हुई कहीं, वो पेश करना चाहूँगा। लीजिए समाज फरमाइए। पहली गज़ल है, ज़मीं की दास्तां में आसमां का लिखना है, ज़मीं की दास्तां में आसमां का लिखना है, धनक के रंग में कुछ कहकशां का लिखना है, धनक के रंग में कुछ कहकशां का लिखना है, सिर है लिखना अब हमें कुछ सादगी की रंगत का, लिखना अब हमें कुछ सादगी की रंगत का, उसी मासूम से सादा बयां का लिखना है, उसी मासूम से सादा बयां का लिखना है, न कह के कुछ भी वो सब ही बयान तो करती रही, न कह के कुछ भी वो सब ही बयान तो करती रही, हमें अब खामोशी की दास्तां का लिखना है, हमें अब खामोशी की दास्तां का लिखना है। ये शेर सुनिए, देखिए, वही मासूम सा चेहरा, वही सादा दिली उसकी, वही मासूम सा चेहरा, वही सादा दिली उसकी, उसी सादा दिली में नक्शे जहाँ का लिखना है, उसी सादा दिली में नक्शे जहाँ का लिखना है। ये शेर है कि वो जिसने तिनका तिनका आशियाँ का राख किया, वो जिसने तिनका तिनका आशियाँ का राख किया, उसी आतिश बयां बरके तपा का लिखना है, उसी आतिश बयां बरके तपा का लिखना है। मकता है इसमें, मैं राही राहों में जीना मुकद्दर है मेरा, मैं राही राहों में जीना मुकद्दर है मेरा, मगर अब मंजिले गुम ना गुम मगर अब मंजिले गुम बेनिशां का लिखना है। फिर से मैं कहता हूँ, मैं राही राहों में जीना मुकद्दर है मेरा, मगर अब मंजिले गुम बेनिशां का लिखना है, जमी की दास्तां में आसमां का लिखना है, धनक के रंग में कुछ कहकशां का लिखना। शुक्रिया। लीजिए दूसरी गजल समाप्त पाइए। न जाने कौन सी मंजिल मेरे ख्वाबों ने लिखी है, न जाने कौन सी मंजिल मेरे ख्वाबों ने लिखी है, न जाने कौन सी राहत तेरे वादों ने लिखी है, न जाने कौन सी राहत तेरे वादों ने लिखी है, न जाने किस तरह से पेश आऊं जिंदगी तुझसे, न जाने किस तरह से पेश आऊं जिंदगी तुझसे, न जाने आखिरी हिस्से में क्या सांसों ने लिखी है, न जाने आखिरी हिस्से में क्या सांसों ने लिखी है, मुझे हाथों के नुक्तों और लकीरों का इलम क्या हो, मुझे हाथों के नुक्तों और लकीरों का इलम क्या हो, पता क्या जो लकीरों और मेरे नुक्तों ने लिखी है, पता क्या जो लकीरों और मेरे नुक्तों ने लिखी है। शेर है कि तजारत ख्वाहिशों की, तजारत तजारत ख्वाहिशों की जिंदगानी के तकाजे हैं, तजारत ख्वाहिशों की जिंदगानी के तकाजे हैं, मैं जो बेचूं खरीदूं वो मेरे रिश्तों ने लिखी है, मैं जो बेचूं खरीदूं वो मेरे रिश्तों ने लिखी है। इसमें मतलब ही है, ये मेरी उम्र उसका कर्ज है, सद शुक्र है राही, ये मेरी उम्र उसका कर्ज है, सद शुक्र है राही, मगर बस इसकी आराइश मेरे हाथों ने लिखी है, मगर बस इसकी आराइश मेरे हाथों ने लिखी है, न जाने कौन सी मंजिल मेरे ख्वाबों ने लिखी है, न जाने कौन सी राहत तेरे वादों ने लिखी है। शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। मेरे चैनल देखते रहिएगा और आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय।